हेलो नमस्ते, मेरा नाम है निधि नागौरी और आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकलशिप, मेरी खुद की जर्नी, खुद के एक्सपीरियंसेस और मैंने क्या सीखा और समझा। आप लोगों के बहुत सवाल आए थे तो मैंने सोचा एक वीडियो तो होम बनना ही चाहिए, तो इसीलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एज ऑलवेज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अब सीधा चलते हैं आपके सवालों की तरफ। तो अगर आर्टिकलशिप की बात करें तो जब भी आप में से बहुत लोगों से कॉन्वर्सेशन होती है, आप में से कई सारे लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि मैंने बिग फोर से आर्टिकलशिप नहीं किया है। नाउ विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी जिन्होंने बिग फोर से आर्टिकलशिप किया है, आई सल्यूट यू। आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत मेहनत की है और आई एम श्योर आपको उसका पे बैक जरूर मिलेगा। बट एक्चुअली मैंने बिग फोर से आर्टिकलशिप नहीं की है। जब ये मेरा बिग फोर में सिलेक्शन नहीं हुआ था तब मैं बहुत हार्ड ब्रोकन थी, बहुत डिसअपॉइंटेड हो गई थी। लगा था कि अब कुछ नहीं कर पाऊंगी, शायद लाइफ में हमेशा एवरेज बन के रह जाऊंगी। लेकिन वैसा हुआ नहीं, क्योंकि आर्टिकलशिप आप कहीं से भी करें, काम आप कहीं पे भी करें, ये जरूरी नहीं है कि आपने कहाँ से काम किया है, उसका ब्रांड नेम उतना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आपने सीखा क्या है अपने आर्टिकलशिप में। तो जब मैंने IPCC क्लियर किया था 2010 के समर में और फिर आर्टिकलशिप की बात चालू हो गई, तो मेरे घर पे कोई CA नहीं है, मुझे ऐसा किसी ने गाइड करने वाला कोई था नहीं। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि आर्टिकलशिप के लिए कहाँ अप्लाई किया जाए। तो बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं और जो कॉलेज मेट्स थे सब बिग फोर में अप्लाई कर रहे थे, तो मैंने इसके बारे में पढ़ा, मैं बहुत एक्साइटेड हो गई और मैंने भी अपनी रेज्यूमे जो है जाकर स्टिल रिमेम्बर कैलकटा में ट्रैवल करके हर बिग फोर में ड्रॉप किया था और बिग सिक्स तक एक्चुअली मैंने अपने रेज्यूमे ड्रॉप किए थे। एंड मुझे दो बिग फोर से कॉल आया था एंड दोनों के साथ मेरा पर्सनल इंटरव्यू भी हुआ। और यू नो, अभी भी जब मुझे याद आता है तो मुझे थोड़ा सा खराब लगता है कि मैं रिजेक्ट हो गई थी। मैंने एक्चुअली उनसे पूछने की कोशिश भी की कि रीज़न क्या है, क्योंकि मैं क्लास 12 तक एक्सेप्शनल स्टूडेंट रही हूँ। तो ऐसा क्या था कि मुझे सेलेक्ट नहीं किया, मेरे नंबर भी ठीक ठाक थे और मेरे कुछ ऐसे क्लासमेट्स थे कॉलेज में, बहुत ब्राइट लोग थे, बट उनका और मेरा जो मतलब पढ़ाई या अकेडमिकली हमारा जो स्कोरिंग पैटर्न था वो सिमिलर था। तो मुझे समझ नहीं आया कि व्हाई देम एंड व्हाई नॉट मी, एम आई नॉट गुड इनफ, क्या मैं अच्छी कैंडिडेट नहीं हूँ, क्या मैं सीख नहीं सकती, क्या मैं पढ़ नहीं सकती। तो बहुत सेल्फ डाउट का जो एक मोड है उसमें मैं एंटर कर गई थी। एंड मुझे अभी भी याद है जब मुझे वन ऑफ द बिग फोर जिससे मुझे रिजेक्शन जब आया था, जो सेकेंड वाला था, तो उस रात को मैं सो नहीं पाई थी, मैं बहुत ज्यादा रोई थी। बिकॉज दैट वॉज एक्चुअली मेरा फर्स्ट ब्रश विथ फेलियर, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, तो हमेशा से लाइफ में अच्छा करने की आदत थी। वो एक पहला झटका था कि जो मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिला करियर में या अकेडमिकली। तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी, मुझे समझ नहीं आया कि इसके साथ कैसे डील करूँ। फिर फाइनली मेरी फैमिली को मेरे लिए थोड़ा सा कंसर्न होने लगा, तो मैंने सोचा कि ये जो भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं इन्हें सही से चैनलाइज करना पड़ेगा। लाइक आई सेड, कोई ऐसे गाइड करने वाला तो था नहीं और मेरा एक प्रॉब्लम है कि मैं हमेशा से सब कुछ अपने हिसाब से करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू फाइंड माई ओन पाथ्स, मैं अपने रास्ते खुद खोजना चाहती हूँ। तो मैं CA इंस्टीट्यूट गई थी जो कैलकटा में है, और वहाँ पे एक सेक्शन रहता है जहाँ पे बहुत सारे CA फर्म्स जिनको भी अपने जिनके यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स होती है आर्टिकल्स की या पेड असिस्टेंट्स की, वो वहाँ पे पोस्ट्स करते हैं, पेपर पोस्ट्स। तो वहाँ पर मैंने कई सारे फर्म्स के ओपनिंग्स देखे और फिर मैंने नोट डाउन किया, फिर मैंने घर आकर उन सबको अपना रेज्यूमे भेजा। और मुझे विदिन टू डेज मैंने फाइनली जहाँ से आर्टिकलशिप की, KSIR एंड कंपनी, वहाँ से मुझे कॉल आया। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी क्योंकि एक तो पहली बार इंटरव्यू में अच्छा करने का मौका मिल रहा था, क्योंकि उनसे जब फोन पे बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि हम बहुत इंप्रेस्ड हैं आपके रेज्यूमे से, प्लीज आइए मिलिए। मैं तैयारी कर रही थी, मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा भी था IPCC से रिलेटेड। घर पर मैंने तब तक किसी को नहीं बताया था कि मुझे ऐसे ऐसे आर्टिकलशिप का कॉल आया है। फाइनली मैं गई, मैंने ऑफकोर्स KSIR पे थोड़ी सी रिसर्च की, तो मुझे पता चला कि उनके 6 ऑफिसेज हैं इंडिया में और वो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट अकाउंटिंग फर्म। तो ये सब मुझे अपनी रिसर्च से पता चला। फिर जब मैं इंटरव्यू के लिए गई तो मैं थोड़ा सा जो है ऑफिस देख के थोड़ा सा अपसेट हो गई थी, बिकॉज ऑफकोर्स इट वॉजंट एज नाइस एज बिग फोर ऑफिसेज, एक नॉर्मल ऑफिस जैसा होता है वैसा था। और मेरा जो इंटरव्यू था बहुत ही बेसिक था, उन्होंने कुछ कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे, पर मुझे अभी भी याद है कि वो इंटरव्यू बहुत प्रोफेशनल तरीके से था।
जो मेरे तीनों पार्टनर्स थे वो वहाँ पर थे, देवर इन सूट्स, और वो मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, और बहुत ही अच्छे तरीके से इंटरव्यू हुआ था. एंड उसके 2 या 3 दिन के बाद मुझे कॉन्फर्मेशन का कॉल भी आया था. फिर हमने जब बात की स्टाइपेंड की, तो द स्टाइपेंड वॉज 3,000, 4,000 and 5,000. फर्स्ट ईयर में 3, सेकेंड ईयर में 4 एंड थर्ड ईयर में 5,000. तो मुझे काफी कंपेयर टू जो बिग फोर में जो मेरे फ्रेंड्स थे जिनका सिलेक्शन हो गया था, या जो मेरे क्लासमेट्स थे जिनका सिलेक्शन हो गया था, तो वो काफ़ी कम था. एंड मुझे फाइनेंशियली ज़रूरत भी थी उस टाइम. बट यू नो, मैंने अपने इंटरव्यू में काफ़ी सारी चीज़ों पे फोकस किया था, क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे थे, और मुझे जो जो इम्पॉर्टेंट था, जो मेरे करियर के लिए मुझे लगा उस टाइम पे ज़रूरी है, वो मैंने सारे बॉक्सेस चेक कर दिए. तो दैट हैपेंड. मुझे मैंने आर्टिकलशिप की उनके साथ 3.5 साल, एंड आई एम सो ग्लैड कि मैंने उनके साथ आर्टिकलशिप की फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस. मैं हमेशा कहते रहती हूँ, सबसे पहले मुझे KS अय्यर के साथ जितना ट्रैवल करने का मौका मिला, मुझे कभी मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी. मेरे जो फ्रेंड्स थे जिन्होंने बिग फोर में आर्टिकलशिप की, बिग सिक्स में, बिग एट में, या फिर बड़े से बड़े कैलकटा के फर्म्स में, उन्होंने भी उतना ट्रैवल नहीं किया जितना मैंने किया. बिकॉज मैं MP जाती थी, UP जाती थी, वेस्टर्न पार्ट्स हो गुजरात जाती थी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सो एक्चुअल में, एंड देन संबलपुर उड़ीसा. तो बहुत सारे ऐसे ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज मिले उनके साथ जो शायद मुझे किसी रेगुलर फर्म में नहीं मिलते. एंड मैं उस टाइम पे 18 साल की थी, तो एक 18 साल के बच्चे को जब आप इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज देते हो, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करने का मौका देते हो, ट्रैवल करने का मौका देते हो, तो उनके लिए ये बहुत एक्सपीरियंस जो है बहुत एनरिचिंग होता है. सो वहाँ पे मुझे, एंड मैंने बहुत इंटरनल ऑडिट्स किए उस पीरियड में इन मैन्युफैक्चरिंग. सो इट इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि आज की डेट में जो मेरा करंट प्रोफाइल है जिसमें मैं एक्चुअल में बहुत खुश हूँ, इट इज़ इंटरनल ऑडिट इन मैन्युफैक्चरिंग एंड आई ट्रैवल अलॉट. सो ये सब कुछ शायद आर्टिकलशिप से ही है जो वो स्टार्ट हो गया था जर्नी, द लव फॉर इंटरनल ऑडिट, वो वहीं से स्टार्ट हो गया था, द लव फॉर ट्रैवल एंड ऑडिट. एंड सेकेंडली, मैंने बहुत अच्छे दोस्त बनाए. आज के डेट में भी हम सब टच में हैं और हम सब अच्छा कर रहे हैं. हम सब ने सेम फर्म से आर्टिकलशिप की, और तब हम सब सोचते थे कि यार हम तो बिग फोर से हैं नहीं, पता नहीं हमारा करियर में क्या होगा. बट आज की डेट में हम सब वेल प्लेस्ड हैं. इनफैक्ट मेरी एक जूनियर है जो मैं मार्च में काम के लिए जर्मनी जाने वाली थी, और बिफोर कोविड हैपेंड, और वो एक्चुअली उसी सेम सिटी में थी जर्मनी में अपने काम के लिए. सो हम, और हमने प्लान किया था कि हम मिलेंगे ये वो, बट ऑफकोर्स कोविड हैपेंड. बट आई फेल्ट सो प्राउड, यू नो, कि हम एक एवरेज फर्म से आर्टिकलशिप करके भी हम सब इतना अच्छा कर रहे हैं अपने लाइफ में. सो कपल ऑफ थिंग्स जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, वेन आप जब आर्टिकलशिप के लिए इंटरव्यूज करने जाएं, तो बहुत जरूरी है कुछ चीजें माइंड में रखना. एक तो आप पूछें कि आपको किस टाइप का काम करने मिलेगा. ये क्वेश्चन मैंने फर्स्ट, अपना जो फर्स्ट इंटरव्यू था उसी में ही पूछा था, और मैंने जब उनके साथ फोन कॉल हुई थी फर्स्ट, तभी भी मैंने पूछा था कि किस तरीके के क्लाइंट्स हैं, और उन्होंने मुझे कुछ कुछ बहुत बड़े कंपनीज के नाम बताए थे. तो मुझे एक्चुअल में बिलीव नहीं हुआ कि मुझे उन इन कंपनीज में जाने का भी मौका मिलेगा, उन ऑफिसेज में. बट एक्चुअली दैट वाज ट्रू, मुझे बहुत बड़े बड़े कंपनीज के ऑडिट्स करने मिले. तो वो चीज़ आप ध्यान रखें कि आप पूछें कि आप किस टाइप का काम करेंगे, टैक्स करेंगे, ऑडिट करेंगे, एंड देन समझिए कि आपको एक्सपोजर जो है वो कैसा मिलेगा ऑलराउंड. सो वो फर्स्ट है जब भी आप कहीं आर्टिकलशिप के लिए जाएं. सेकेंड, प्लीज स्टाइपेंड से निराश मत होइए. मैं ऑफकोर्स मैं जानती हूँ कि इट इज़ नॉट राइट कि आप हमें कम पैसे मिलते हैं, बिकॉज ऑल ऑफ अस हम चाहते हैं कि हम मेहनत तो पूरी कर रहे हैं तो हमें पैसे भी उतने ही मिलने चाहिए. बट प्लीज मायूस मत होइए. याद रखिए कि ये आपके करियर का फाउंडेशन है, ये स्टेपिंग स्टोन है. आप यहाँ पे जितना सीख लेंगे, ये आपको आगे जाके बहुत काम आएगा. क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब आप CA बन जाते हैं, तो जो आपको इंटरव्यू करता है वो आपके फर्स्ट सेंटेंस से समझ जाता है कि आपने आर्टिकलशिप की है कि नहीं की है, और की है तो कहाँ से की है. तो अब जब हम इंटरव्यूज लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन, किसने आर्टिकलशिप किए, किसने नहीं किए, किसको एक्सपीरियंस है, किसको नहीं है. तो प्लीज आप स्टाइपेंड जो है ना, वो बहुत बेसिक चीज है. अगर कोशिश कर सके तो उसको ब्रश ऑफ कर दीजिए. थर्ड, अपने आप को किसी से कंपेयर मत कीजिए. मैं जब कॉलेज में थी और जब मैं आर्टिकलशिप कर रही थी, और मेरे क्लासमेट्स थे जो बिग फोर में थे, तो मुझे बहुत उनको देखकर लगता था कि खराब लगता था कि क्योंकि उनके पास अच्छे अच्छे लैपटॉप्स थे, वो बड़े बड़े क्लाइंट्स पे वर्क कर रहे थे, उनकी स्टाइपेंड अच्छी थी, एंड यू नो, मुझे लगता था कि वो शायद मुझसे ज़्यादा सीख जाएंगे, मैं तो एवरेज रह जाऊंगी, मैं तो पीछे रह जाऊंगी. बट हम सब अच्छा कर रहे हैं.
आज की डेट में ऐसा नहीं है कि वो मुझसे आगे हैं या मैं उनसे आगे हूँ, या कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, बस ये सीखने का है। आप प्लीज़ इसमें ओवर कम्पेटिटिव मत होइए और अपने आप को प्लीज़ किसी से कंपेयर मत कीजिए। ये मैंने बहुत लेट सीखा तो इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फोर्थ, आप जब आर्टिकलशिप के इंटरव्यू के लिए जाएं तो नोटिस करें कि किस तरीके के लोग हैं फर्म के अंदर, जेंडर डाइवर्सिटी कैसी है। मेरे फर्म के अंदर जब मैं आर्टिकलशिप के इंटरव्यू के लिए गई थी तो मैंने नोटिस किया कि बहुत विमेन हैं जो पार्टनर्स हैं। जैसा मैंने आपको बताया, वो खुद बहुत ही वेल स्पोकन थे, बहुत वेल ड्रेस्ड थे, तो उनके सामने जो बाकी का, जो मैंने कहा कि ऑफिस शायद उतनी अच्छी नहीं थी, उतनी स्पिक एंड स्पैन नहीं थी, वो फिर मैटर नहीं किया उतना, बिकॉज मुझे पता था कि जिनके साथ काम करना है वो बहुत अच्छे हैं। और फिफ्थ, आप कोशिश करें कि अपने आर्टिकलशिप में आप गोल्स बनाएं। मैंने जो अपने जो मेरे प्रिंसिपल थे उनके साथ मैं कुछ गोल्स सेट करती थी, जैसे मुझे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बहुत बेसिक गोल्स थे, मुझे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में प्रोफिशिएंट होना था, मुझे एक्सेल सीखना था थोड़ा बहुत, या वर्ड या जो कुछ भी है, मुझे मुझे थोड़ा बहुत वो सीखने का था। मैंने उनके साथ गोल सेट किए थे कि मुझे ये करना है, वो करना है, एंड वो मैं उनके साथ रेगुलरली फॉलोअप भी करती रहती थी कि, या वो मेरे साथ फॉलोअप करते थे कि परफॉर्मेंस कहाँ है, मैंने क्या सीखा है, नहीं सीखा है। तो ऑफकोर्स आप, बहुत ज़रूरी है कि आप ये भी क्लियर करें कि आपको ये गोल्स बनाने का मौका मिलेगा या नहीं। सिक्स्थ, प्लीज़ उनसे पूछें कि आप किस तरीके के सॉफ्टवेयर सीखेंगे, टैली यू नो, या फिर SAP, ओरेकल, जो भी है। मेरे टाइम पे उन्होंने मुझे बहुत क्लियरली बताया था कि मैं ओरेकल सीखूंगी और टैली सीखूंगी, सो वो आज तक वो एक जो फाउंडेशन है वो बहुत सॉलिड थी। एंड देन लास्टली, प्लीज़ उनसे पूछें कि एग्जाम्स के लिए लीव कितनी मिलेंगी। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने ये चीज़ मैंने नहीं पूछी थी, मेरे प्रिंसिपल ने सामने से क्लैरिफाई कर दिया था कि हम आपको XYZ नंबर ऑफ डेज देंगे। मुझे करीब 3.5 months मिले थे छुट्टी, और उसके साथ मैंने अपनी कुछ रिमेनिंग छुट्टी जो है वो भी क्लब कर ली थी CA फाइनल्स के लिए, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था टू कंसिडर। सो ये सब चीज़ें आप कंसिडर करें जब आप आर्टिकलशिप के लिए जा रहे हैं। और लास्टली, प्लीज़ गिव इट अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस। ये मत सोचिए कि ये आप टाइम पास के लिए कर रहे हैं, नहीं, ये आपका फाउंडेशन है। आपको इन 3.5 सालों में अपने आप को टेक्निकली स्किल करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आप हर उस इंसान से 3.5 साल पीछे हैं एक्सपीरियंस में जिसने आर्टिकलशिप की है। इसीलिए प्लीज़ उसे सीरियसली कंसिडर कीजिए, अच्छी जगह से अच्छे लोगों के साथ काम करने की कोशिश कीजिए। और Big 4, no Big 8, कोई भी ब्रांड नेम पर प्लीज़ हंग अप मत होइए। अगर आपका इन सब में सिलेक्शन हो जाता है तो वेल एंड गुड, आप ऑफकोर्स बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं प्रिपरेशन के लिए, लर्निंग के लिए, और आप बहुत ही अच्छे, जब आप CA बनेंगे तो आप एक बहुत अच्छे कैंडिडेट होंगे। लेकिन अगर आपका यहाँ नहीं होता है तो दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आप फिर भी अपनी लाइफ में अच्छा कर सकते हैं, सिर्फ अगर आप अपने आप को अपग्रेड करते रहें, स्किल करते रहें, और उन 3.5 सालों में अगर आप काम करें और दोस्त बनाएं। जितने भी लोग हैं उनके साथ दोस्ती करने की कोशिश कीजिए, नुआंसेस समझिए, ऑफिस लाइफ को समझिए, और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी अपने लाइफ में सक्सीड करने की। मैं बहुत कंपेटिटिव हो जाती थी, मुझे जैसा मैंने बताया मैं मायूस हो जाती थी अपने फ्रेंड्स को देखकर, जब वो अच्छा कर रहे हैं तो मुझे लगता था कि यू नो लाइक आई सेड, व्हाई एम आई नॉट इनफ, क्या मैं अच्छी कैंडिडेट नहीं हूँ, क्या मैं अच्छी स्टूडेंट नहीं हूँ, क्या मैं अच्छी प्रोफेशनल नहीं हूँ। वो जो सेल्फ डाउट का फेस था वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। एंड अब आप मुझसे पूछेंगे तो कुछ भी हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जहाँ से भी आर्टिकलशिप की, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। वो जर्नी बहुत अच्छी रही, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, जिन लोगों के साथ काम किया वो अमेजिंग थे। सो आई हैव एब्सोल्युटली नो रिग्रेट्स। इनफैक्ट मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ अपने एक्सपीरियंस को लेकर। सो प्लीज डू नॉट एंटर अ फेज ऑफ सेल्फ डाउट। प्लीज ये मैं सोचिए कि ब्रांड नेम का क्या होगा, कहाँ से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो सब कुछ बाद में फिगर आउट हो जाएगा। फिलहाल जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है सीखना। सो प्लीज सीखने पे फोकस करिए, काम पर, दोस्त बनाने पर, रिलेशंस बनाने पर, ऑफकोर्स रिलेशनशिप नहीं, रिलेशंस बनाने पर, और सीखते रहने पर, पढ़ते रहने पर। आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा, और आप भी 5 साल बाद, जब आप CA बन जाएंगे उसके 5 साल बाद, आप भी अपने आर्टिकलशिप जर्नी पर बिल्कुल मेरी तरह रिफ्लेक्ट करेंगे और याद करेंगे कि वो दिन भी क्या दिन थे। इसी के साथ हम आ चुके हैं इस वीडियो के एंड पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे एक थम्स अप दीजिएगा। कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप और क्या जानना चाहते हैं, और ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आने वाले सीरीज के लिए और वीडियोस के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, इसीलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर,
एंड स्टे सेफ. और एक चीज जो मैं हमेशा कहती हूँ, सपने देखते रहिए, बिकॉज वी ओनली हैव वन लाइफ, सो वी हैव टू ड्रीम इट एंड वी हैव टू लिव इट. नमस्ते.